नमस्कार, मैं आयशी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राजीव गांधी के प्रतिमा पर पुण्य अर्पित की श्रद्धांजलि दिया। और लॉकडाउन के चलते गरीब बेसहारा मजदूरों को राशन वितरित किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, कांग्रेस के पार्षद गुड्डू चौहान भी मौजूद रहे। गांधी जी की पुण्यतिथि है, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और राजीव गांधी जी इस देश के एक ऐसे नेता थे कि आज जो कंप्यूटर युग आया वो उनकी देन है, पंचायती राज आया उनकी देन है, और जो युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट का अधिकार मिला ये राजीव गांधी जी ने दिया। और जो बात आज हो रही है 21वीं सदी में देश को मजबूत करना, ये पहले ही राजीव गांधी कह चुके थे कि 21वीं सदी में देश मजबूत होगा, जिसको आज दूसरी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं। और उनके ज़माने जब कंप्यूटर युग आया तो लोगों को बहुत रोज़गार मिले और हिंदुस्तान 5 शक्तियों में आया। और मैं समझता हूँ कि आज जो पंचायती राज जो महात्मा गांधी की देन थी जो मजबूत हुआ है वो आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेता राजीव गांधी की थी। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उनके पद चिन्हों पर चलकर लगातार आगे बढ़ेगी। और जब ये 24 चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 29वीं पुण्यतिथि है। 21वीं सदी की रचना करने वाले, मन में विचार करने वाले ऐसे राजीव जी ने कहीं ना कहीं ये मन में संकल्प लिया था, कहीं ना कहीं मन में विचार किया था कि आने वाली 21वीं सदी हिंदुस्तान की तरक्की की सदी होगी। युवाओं को 18 वर्ष से मताधिकार करने का अधिकार दिया, 74वां संशोधन लाके पंचायती राज को मजबूत किया। मैं स्वर्गीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की सारी सुर्खियों के लिए बने रहिए हमारे।